हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर संध्या। और आज देखिए देवउठनी एकादशी है, तो आज हमारे घर पहले दरवाजे पर ऐसे चौक पूरते हैं और भगवान का पैर बनाते हैं। तो उनके आने की मतलब 4 महीने बाद भगवान उठते हैं, तो उनके आने का स्वागत ऐसे ही करते हैं हम लोग। और ये से बनाते धीरे धीरे बना के दोनों तरफ मैंने बनाया अपने गेट के, एक इस तरफ एक उस तरफ दाएँ बाएँ। और उन इस आज से मतलब सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं, शादी ब्याह सब कुछ। 4 महीने बाद भगवान सोकर उठते हैं, तो उनके उठने के बाद उनका स्वागत ऐसे ही किया जाता है। और आज तुलसी विवाह भी है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी मैं कैसे विधि पूर्वक कर रही हूँ। बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से आप घर में कैसे तुलसी विवाह कर सकते हैं, वो पूरा आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। और ये देखिए मैं ऐसे मतलब धीरे धीरे गिराते हुए वहाँ मेन दरवाजे पे बनाकर धीरे धीरे गिराते हुए पहले किचन के दरवाजे पर बनाए, फिर इसको धीरे धीरे गिराते गैस तक ले आते हैं। तो गैस पर भी देखिए मैंने ऐसे छोटा सा बना दिया है। और मेन इसका उद्देश्य होता है आंगन में बनाना, तो आंगन मेरे पास कोई स्पेशल आंगन नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे घर में पूरे पहले बना ली हूँ। सभी घर में मैं ऐसे गिराते हुए ले गई हूँ भगवान के चरणों के निशान, ये भगवान के चरणों के निशान है। तो उसके बाद सब जगह गिराते हुए मेरा आंगन थोड़ा पीछे है, तो मैं वहाँ बना ली हूँ। तो ये मेरा आज का मतलब देवउठनी एकादशी का मेरे घर में ऐसे ही पूजा होता है, सो मैं आपको दिखा रही हूँ। और सभी अलमारियों पर भी मैंने भगवान के पैर के निशान बना दिए हैं, विष्णु भगवान के। तो ये देखिए भगवान के पैर के निशान आपको अलमारियों पर दिख रहे होंगे मेरे। और इसके बाद यहीं बगल में आंगन है मेरा छोटा सा, जो वॉशिंग एरिया भी मेरा है, यहाँ वॉशिंग मशीन मेरा रखा है, तो यहाँ पर भी मैंने बना दिया आंगन में। और ये इस तरीके से करते हुए फिर मैं ऊपर जहाँ भगवान का तुलसी विवाह करूँगी वहाँ भी मैंने बनाया है। और ये मेरा आज तोरण भी मैंने बनाकर अशोक के पत्ते का लगाया है। तो वीडियो बना नहीं पाते हैं क्योंकि अकेले काम करने की वजह से दोनों काम पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे से, कि मैं ब्लॉग भी बना पाऊँ और वीडियो भी। तो पहले मैं काम कर देती हूँ, फिर आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे किया है। तो ये देखिए अशोक के पत्ते का तोरण लगा है मेन गेट पर, और फिर ये जो मेरे घर का एंट्री है यहाँ पर कमरे का, तो ये दोनों जगह मैंने अशोक के पत्ते का तोरण भी बना दिया है। तो ये दोनों ब्लॉग मतलब बनाने के बाद आपको दिखा रहे हैं मैं कैसे की हूँ। फिर उसके बाद मेरा आज तुलसी विवाह का पूजा भी होगा, तो ये आपको जहाँ मैं मतलब तुलसी विवाह करूँगी वहाँ लेकर जा रही हूँ छत पर। ये देखिए कैसे मैं गिराते हुए ले गई हूँ भगवान के चरणों के निशान, तो ये उनके चरणों के निशान हैं। और यहाँ आते आते फिर ये देखिए यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा बनाया है, और यहीं पर मैं आज शाम को तुलसी विवाह करूँगी। तो एक्चुअली क्या है, मैं सारी तैयारी अभी कर ले रही हूँ क्योंकि मेरे बगल में भाभी के यहाँ कथा है, तो वहाँ भी जाना है, तो इसलिए सब तैयारी करके जाऊँगी। और जब कथा से जैसे ही ख़त्म होगा वैसे मैं आके तुलसी विवाह कर लूँगी। तो सब विधिवत मैं सब कुछ जितना ही पूजा का सामान है और जो कुछ भी है मैं रख कर तब जाऊँगी कथा में। तो ये देखिए मैंने ऐसे ही आटे से और हल्दी से मैं चौक पूर देती हूँ, तो इस पर मैं चौकी रखूँगी जिस पर माता तुलसी को बैठाऊँगी, तो जहाँ भगवान का पैर बनाए थे उसी के किनारे किनारे से मैं आटा और हल्दी से चौक पूर रही हूँ। तो ये मेरा तुलसी विवाह की मेरी देखिए प्रिपरेशन ऐसे मैं ऐसे करती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा विधिवत और कोई ऐसे मतलब कठिन नहीं मैं करती हूँ, इतना ही मैं करती हूँ। हल्दी और आटे से चौक पूरने के बाद देखिए मैंने चौकी बिछा दिया है। अब चौकी को मैं धुल के लाई थी वैसे नीचे से, तो अब थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के पवित्र कर दूंगी। तो गंगा जल छिड़क लेने के बाद उसको पोंछ कर फिर उस पर आसन बिछा कर माता तुलसी को बैठाएंगे। आसन बिछाकर केले का मंडप बनाकर केले के पत्तों का, तो ये देखिए ऊख से मतलब गन्ने से भी बनाते हैं, तो ये मैं अकेले नहीं कर पाती, तो मैं अपने ऊपर वाले भैया लोगों का सहायता ले रही हूँ। तो ये वो लोग मेरी मदद कर रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं नहीं, तो आज बाहर गए हैं, तो मैं वो रहते मेरी हेल्प करते हैं, तो मैं उन लोगों की हेल्प से इसको स्टे कर रही हूँ कि मतलब कैसे वो खड़ा हो जाए गिरे ना। तो भैया लोगों ने अच्छे से मतलब कर दिया मेरा हेल्प, बहुत अच्छे से बन गया है। अब इसके बाद मैं तुलसी माता को रख दी हूँ, अब इसकी माता को चुन्नी पहनाऊँगी। ये माता जी को मैं चुन्नी पहनाने जाती हूँ, चुन्नी में ही शादी होती है, इसलिए उनको चुन्नी पहनाने शादी करती है। पहनाई जाए चुन्नी।
तो ये देखिए, वैसे चुन्नी में ही लड़कियों की शादी होती है, तो बहुत प्यारा सा ये देखिए चुन्नी मैं माता को पहना रही हूँ। और ये मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया लक्षिता ने, जो मेरे यहाँ जन्म पर रहती है, इस समय है नहीं, उनके बच्चे हुए हैं, वो राजस्थान में हैं। तो इतना प्यारा सा मेरे लिए गिफ्ट भेजा था, तो मैं सोची कि लाओ माता को पहना कर शादी कर दूँगी, फिर मैं ये खुद भी पहन लूँगी। तो ये देखिए माता दिख नहीं पा रही है, ऐसे ही तो दिखेंगी तो ये देखिए माता जी सज गई हैं कितने अच्छे से। और आज देवउठनी एकादशी में गन्ने का पूजा जरूर करते हैं, तो गन्ने को हम लोग जोड़े में लाते हैं। तो देखिए गन्ने का मंडप मैंने बना दिया है, केले का तो वैसे ही बना दिया, और फिर गन्ने बनाकर फिर उससे पूजा करेंगे। और फिर मैं नीचे पूजा की सारी तैयारी कर ली है। तो ये देखिए सारा भगवान का भोग लगाने को रखे हैं, ये माता जी को दूध की बर्फी है, ठाकुर जी को पेड़ा है, पंचमेवा है, गुड़ है नया, और ये पंजीरी है, क्योंकि आज हम लोग का एकादशी व्रत भी है ना, आज सबसे बड़ी एकादशी कार्तिक की बड़ी एकादशी होती है। तो जो कभी भी व्रत नहीं रहता एकादशी, वो ये वाला व्रत रहने से पूरे साल का फल मिल जाता है। तो जब कभी भी व्रत आप एकादशी नहीं पूरे महीने रह पाते हैं, तो ये वाली एकादशी अगर रह लेते हैं, ये वाली और एक वो पड़ती है जून में निर्जला एकादशी, ये दोनों रहने से पूरे साल का फल मिल जाता है। लेकिन अगर कोई भी ना रह पाओ तो ये ज़रूर रहना चाहिए। तो ये मेरा भोग हो गया, फिलहाल मैं ज्ञान नहीं आप लोगों को दे रही हूँ, आपकी मर्जी है। और ये मेरा सारे फल का हो गया भोग। तो ये मेरा फल देखिए सिंघाड़ा, मैंने दो तरह से रखा है, कच्चा और सिंघाड़ा और शकरकंदी रख दिया, ये कच्चे हैं, इसको बॉयल नहीं किए हैं, और ये बॉयल करके सिंघाड़ा और शकरकंदी रख दिए हैं। तो थोड़ा बॉयल करके भी, थोड़ा कच्चा भी है, आंवला है, केला है, सेब है। तो ये सारा मेरा फल का हो गया थाली, और ये मेरी सारी पूजन की थाली हो गई है। तो ये तुलसी चालीसा ही पढ़ेंगे जब उनका विवाह करेंगे। तो ये मेरा पूरा देखिए सिंदूर, चंदन, रोली, लौंग, इलायची, कपूर और जनेऊ ठाकुर जी को, ये सब मैंने एक जगह रख लिया है ताकि कुछ भूले ना, क्योंकि मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ। और ये मेरा धूप बत्ती है, और ये माता जी की चुन्नी है। और माता जी की शादी आज चुन्नी में बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, आप सभी लोग उनकी बारात में आमंत्रित हैं, आइए और उनकी बारात में शामिल होकर आशीर्वाद लीजिए ठाकुर जी से, तुलसी माता से। क्योंकि आज मेरे बगल में कॉलोनी में कथा है, तो वो वहाँ भी तुलसी विवाह होगा, तो वहाँ काफ़ी देर हो जाएगा, तो सारी तैयारी करके हम जाएंगे। ये मैंने दिया की तैयारी कर ली है, तो वहाँ तो जब सारी जो दिया जलाएंगे सब जगह, तो ये मैंने तैयारी कर ली है, और भी जलाएंगे, लेकिन अभी इतना थाली में रख दिए हैं। और ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, तो ठंड शुरू हो गई है, तो मैं अब उनको स्वेटर पहनाना शुरू कर दी हूँ। तो आप लोग पहनाना शुरू किए कि नहीं, मैत्री कह रही उनको गर्मी लग रहा होगा, तो कैप उतार दी उनका। भाभी के पंडित जी बहुत देर कर चुके हैं, 2 बजे 5 बजे बजा चुके हैं, भाभी उनका गुलाब लेके स्वागत कर रही हैं। आज श्याम, आज खाटू श्याम बाबा का बर्थडे है ना, और तुलसी विवाह भी है, कथा होने की तैयारी हो रही है। भाभी के पंडित जी बाने में बहुत देर कर दिए, 2 बजे का टाइम था, वो 5 बजे आए, तो वो इतना लेट कर दिए कि फिर मैं थोड़ा पूजा जब शुरू हो जाता तो बीच से नहीं जाते सत्यनारायण भगवान की, तो इसलिए वो अपनी पूजन करवा रही थी, तैयारी कर रही थी, तो मैं उसी बीच चली गई अपने मतलब माता जी का शादी वादी करने, उनका वो करने, क्योंकि 5:30 बज गया था इस दौरान। तो मैं सोची घर पर अपनी पूजा करके आएँगे तब हम यहाँ पर बैठेंगे। तो अब हम आ गए अपने घर पर, और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ शाम के दीपक की भी और तुलसी विवाह की भी। ये गंगा जल मैंने सब में मिला दिया है, चरणामृत में भी, पहले ठाकुर जी को अपने स्नान वगैरह करा के तब बारात उनकी निकालेंगे। तो देखिए मैं पहले चरणामृत से स्नान करा रही हूँ ठाकुर जी को, ये ठाकुर जी मेरे स्नान कर लिए हैं, अब मैं स्नान को जल से करा रही हूँ, ये जल। हो गया जल से भी, अब इनको पोंछ कर मैं, आज मेरे ठाकुर जी की शादी है, आज मेरे ठाकुर जी की शादी है, दूल्हा बन के निकलेंगे मेरे ठाकुर जी आज, आज मेरे ठाकुर जी की शादी है। मैंने उनका ये मुकुट तैयार किया है अपने हाथों से, ये ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी दिख नहीं पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि वो दिखे, ये सही रहेगा ना। तैयार हो गया ना, मैं फूल चढ़ा देती हूँ उनको। हाँ देखिए ये हो गया उनका, और ये अच्युत बारात लेके चलेंगे अभी, और हम लोग आगे आगे चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा अपने मंदिर का पूजा कर लूँ, तब चलते हैं।
श्री ठाकुर जी की शादी है। आज देखो देव बने बाराती है, आज देखो देव बने बाराती है। तो माता जी को पहले मैंने चरणामृत से स्नान कराया, ठाकुर जी को तो नीचे से स्नान करा के तैयार करा के बारात लेके हमारे अच्युत आए हैं, देखेंगे आप लोग। फिर माता को अब स्नान करा के और फिर उनको गंगा जल से स्नान करा के फिर उनका अब श्रृंगार करने जा रहे हैं। बाकी पहले तो स्नान वगैरह करा के उनको हम कपड़ा पहना दिए थे, लेकिन आज मन टाइप का कर दिए हैं। तो अब देखिए उनका श्रृंगार हम कर रहे हैं। पहले मैं आलता लगाए हैं, मेहंदी लगाए, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश सब मतलब खोल खोल के क्रीम लगाए हैं, सब लगाए हैं खोल कर उनको। तो सारा उनका 16 श्रृंगार किए हैं और उसके बाद अब ठाकुर जी से उनकी शादी करेंगे। तो ये हो गया उनका श्रृंगार, देखिए मैं कर रही हूँ, अभी भी कर ही रही हूँ श्रृंगार। उनको एक बार चेहरा दिखा दो, कि आप सज गई हैं, एकदम अच्छी लग रही हैं और आपके ठाकुर जी सजने जा रहे हैं। तुलसी माता का पूरा श्रृंगार हो गया है। तो अब ठाकुर जी तो ऊपर नीचे नहला के धुला के लाए थे, अब टीका लगा रहे हैं। पहले चंदन लगाएं, फिर रोली लगाएं, फिर माता जी को भी चंदन रोली, फिर उसके बाद उनकी उनको उनके हाथ से जयमाल पहनाएंगे, फिर सिंदूर लगेगा। तो अभी तो वैजयंती का फूल है, ये बहुत पसंद है ठाकुर जी को। एक ठाकुर जी को एक तुलसी चढ़ा रही हूँ और अब मैं इन दोनों लोगों का गठबंधन कर रही हूँ। तो देखिए ठाकुर जी के साथ तुलसी माता का गठबंधन कर रहे हैं रक्षा सूत्र से। तो ये ठाकुर जी की जो है उसमें देखिए गांठ बांध रहे हैं, फिर तुलसी माता को यही रक्षा सूत्र वो करके उनकी साड़ी में लपेट देंगे। तो ये उनका गठबंधन हो जाएगा, फिर उनके आगे शादी की प्रक्रिया आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। और ये हो गई मेरे ठाकुर जी और तुलसी माता की शादी संपन्न। देखिए कितने अच्छे से मैंने कर दिया है, आप लोग भी देखकर बताइए मेरी तुलसी माता कैसी लग रही हैं, सज धज कर कितनी प्यारी लग रही हैं। और अब ठाकुर जी तुलसी जी का विवाह हो गया, अब उसके बाद माता जी को मैं बिछुआ पहनाऊँगी। तो ये देखिए शादी के बाद ही बिछुआ पहनाते हैं, तो ये मैं तुलसी माता को बिछुआ पहना रही हूँ। बिछुआ मेन होता है शादी के बाद पहनने का हम लोग की तरफ, तो ये बिछुआ मैंने पहना दिया तुलसी माता को। बिछुआ पहनाकर माता जी को दक्षिणा दे दिए और उसके बाद अब ठाकुर जी को जनेऊ पहनाए हैं। तो ये देखिए ठाकुर जी भी जनेऊ पहन लिए हैं और ठाकुर जी भी मेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं, उनका मुकुट भी बहुत प्यारा लग रहा है। और ये मेरी तुलसी माता हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं। सारा मैंने देखिए सिंघाड़ा, शकरकंदी, मीठा सब थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा दिया है यहाँ पर माता जी के पास। अब बाकी ये थाली में सब में तुलसी जी डालकर भोग लगा दिए हैं, क्योंकि सब थोड़ा एक एक करके चढ़ा दिए हैं, सब रखना पॉसिबल नहीं था। तो भगवान के पास सब रख के भोग लग गया है। बोलो तुलसी माता की जय, ठाकुर जी की जय। अभी देखिए दीपदान करने का समय आ गया, सब भगवान को भोग भोग लगाने के बाद अब दीपदान करेंगे। तो कार्तिक में दीपदान जरूर करना चाहिए, दीपदान महादान होता है। तो मैंने सब जगह देसी घी का दीपक जला दिया है पूरी जगह, और बाकी ये दिया जो साथ है ये तो मैं हमेशा तुलसी जी को पूरे कार्तिक महीने जलाती हूँ। और बाकी मिट्टी के 14-13 जो दिए मैं जलाई हूँ जो पूरे घर में रखेंगे ऊपर से नीचे तक। श्री तुलसा महारानी
करो मैं सिर नाए जो मम सकट हो विकट दीजे मातु नशाय नमो नमो तुलसा महारानी महिमा अमित न जाय बखान दियो विष्णु तुम सम्मान नमो पार्वती नमो नमो पर्वतारी नमो नमो भक्तवाणी नमो नमो जय काजी सवारी नमो नमो जय भक्ति प्रसावनी नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी नमो नमो निजे जन अपनावनी नमो नमो तक सुख उपजावनी जय जय की जय तुलसा माये धाम तुम्हें शीस नमाई निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े काज आप बनाओ रानी नमो नमो तुलसा महारानी तुम समान ना दिखे कोई मुझे तक नहीं दानी छाई है महिमा तक अपार तुम हो बधाई में नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो तुलसा महारानी इस भक्त की सदा सुखदायक हो सुख पर रहेंगे जब पूर्णिमा तक 27 को पूर्णिमा है तो इनकी विदाई होगी तो उसके बाद ठाकुर जी को मैं नीचे ले आऊँगी तब तक यहीं नहाएंगे धुलेंगे। अरे वाह तुलसी माता ने हिल के आशीर्वाद दे दिया मैंने कुछ कही नहीं कुछ ही जय माता तुलसी आप एग्री है ना इस चीज़ से हमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना माता हमको क्षमा कर दीजिए मुझे सब भूल चुकी हो गई है। तो मैं वीडियो बना रही थी यही कह रही थी कि मैं पूर्णिमा में विदाई करूंगी और यही कह रही थी तो पता नहीं कैसे तुलसी माता जी अचानक से उनका एक डाली हिला तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गई और आप लोग भी देखेंगे ब्लॉग में मेरा कोई हाथ और कुछ भी नहीं लगा तो वही मैं मैत्री को दिखा रही थी कि देखो माता जी ने हम लोग को शायद आशीर्वाद दिया है कोई भूल चूक हो गई उसके लिए भी क्षमा कर दीजिएगा माता। तो पूर्णिमा के दिन हलवा पूड़ी बनाकर विदाई करते हैं वो भी मैं दिखाऊँगी आप लोग कैसे विदाई करती हूँ। और ये मेरी माता का पूरा श्रृंगार और मेरा तुलसी विवाह हो गया संपन्न। अब इसके बाद मैं जा रही हूँ भाभी के यहाँ कथा में क्योंकि कथा पूरा आधा ख़त्म हो चुका है करीब करीब क्योंकि मुझे ये सब करने में बहुत काफ़ी लेट हो गया। बनिया श्री सत्यनारायण भगवान के कथा को फिर टाल दिया और विवाह करने के बाद निश्चय किया। ओम सुख शुक्राय नमस्कार ओम बुद्ध बुद्धाय नमस्कार भाभी के यहाँ कथा समाप्त हो गया। आरती होने के बाद प्रसाद वसाद लेकर मतलब थोड़ा देर कीर्तन भी हुआ कीर्तन उर्तन करने के बाद हम घर आ गए हैं क्योंकि हम लोग अपने माता जी के पास ही प्रसाद नहीं लिए थे तो सबको प्रसाद दिए हैं ऊपर भैया लोगों को भी दिए हम लोग भी लिए हैं प्रसाद। और उसके बाद अब माता जी और ठाकुर जी को शयन कराने का समय हो गया तो शयन कराएंगे। तो अब देखिए हम ये शयन कराने जा रहे हैं ठाकुर जी और माता जी को तो अब उनके शयन का समय हो गया शयन करेंगे फिर उसके बाद अब सुबह इनको उठाकर भोग लगाएंगे। बोलो तुलसी माता की जय ठाकुर जी की जय।